पिता की मौत भी जिसका हौसला नहीं तोड़ पाई, उसका नाम है पिंकी बलहारा। जी हाँ, मुश्किल हालात के बावजूद पिंकी ने खुद को लक्ष्य से भटकने नहीं दिया और 18वें एशियन गेम्स में पहली बार शामिल खेल कुराश में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 19 साल की पिंकी बलहारा दिल्ली के नेबसरा इलाके में रहती हैं। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि रजत पदक तक का सफर आसान नहीं था। आप पिंकी, हमें बताइए कि क्या एशियन गेम्स में भारत के लिए कुराश में सिल्वर मेडल दिलवाना ये आसान था? ये बिल्कुल इजी नहीं होता। सबको बस एक लास्ट में जो मेडल दिखता है बस वही दिखता है, उसके पीछे का स्ट्रगल या कुछ भी नहीं दिखता है कि मतलब कि उसने क्या किया होगा क्या नहीं, मतलब उनके घर में क्या क्या मतलब तकलीफें आई होंगी। तो ये आसान बिल्कुल भी नहीं था और कुराश पहली बार एशियन गेम्स में लॉन्च हुआ है तो किसी को पता नहीं था कि कौन क्या टीम आने वाली है, ज़्यादा कोई जानता भी नहीं था मतलब कुराश को। तो अब हमारे दो मेडल आए हैं कुराश के अंदर, एक ब्रॉन्ज और सिल्वर 52 kg में। क्या पता है इस कुराश का अब आगे नाम बढ़ जाए ज़्यादा। शायद हमारे दर्शकों को ये पता नहीं होगा, पिंकी जब एशियन गेम्स की जब तैयारी कर रही थी तो उनके परिवार में क्या घटना घटी थी और भारत के लिए सिल्वर मेडल दिलवाना क्या वो सच में कितना संघर्षपूर्ण था, ज़रा उस कहानी के बारे में बताइए हमें। एशियन गेम्स जाने से पहले जकार्ता मेरे घर में 3 लोगों की मौत हुई थी। पहले मेरे बुआ के लड़के की हुई थी, फिर उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, फिर उसके बाद मेरे दादा एक्सपायर हुए थे। तो जो पापा होते हैं वो अपनी बेटियों से ज़्यादा अटैच होते हैं, तो ऐसे ही मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी। तो जब मेरे पापा गए तो मतलब मेरे लिए एक स्ट्रेंथ चली गई थी मेरी, तो मुझे सीनियर नेशनल के लिए जाना था। तो मैं रोती रहती थी, प्रैक्टिस करती रहती थी। तो जो मेरे कोच है समुंदर टोकस, जो कि मेरे मामा भी हैं, वो मेरे को बोलते थे कि तेरे पापा बोलते थे कि भाई तू बहुत तगड़ी प्लेयर बनेगी, या पिंकी मेरा नाम करियो कि भाई ये मुकेश की लड़की है। मतलब आज हमारे गांव में मेरे पापा के ही उससे जानते होंगे कि भाई मुकेश की लड़की है, देख उसने क्या किया ये वो। बस मैं ये दिन देखना चाहती थी और मैं ये नहीं चाहती कि इस मेडल के बाद मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाऊं या मतलब हवाबाजी जो बोलते हैं कि हवाबाजी करने लग जाऊं। सर, मेडल एक बार सबका आ जाता है, क्या पता कभी लक से आ जाता है कभी किसी चीज़ से, लेकिन उसको मेंटेन रखना या उस परफॉर्मेंस को अप करना वो प्लेयर के हाथ में होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं मतलब जो सीढ़ी मैंने चढ़नी स्टार्ट किया मैं नीचे जाऊं उस सीढ़ी से, बस ऊपर चढ़ती जाऊं।